हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा मंदिर जहाँ मृत व्यक्ति भी कुछ क्षण के लिए जीवित हो जाता है। इस मंदिर का नाम है लाखा मंडल मंदिर। यह मंदिर टाइगर फॉल से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, लाखा मंडल से हम तकरीबन 16 किलोमीटर दूर होंगे, क्योंकि एक रास्ता जो है आपका ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे कि लाखा मंडल के लिए कच्चा ट्रैक है, यहाँ से आपका लिखा हुआ है कि 16 किलोमीटर, और दूसरा आपका यहाँ पे इससे ये वाला रास्ता जा रहा है जो पक्का, इस पर लिखा है ये मान थात गाँव करके है कुछ, तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा लेकिन ये वाला रास्ता अच्छा है, तो हम इसी से जा रहे हैं, इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, देखते हैं कितना लंबा है। लाखा मंडल जाते समय आपको रास्ते में बहुत ही खूबसूरत जीव जंतु देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ के लोग अपने जानवरों को यहाँ घास वगैरह चरने के लिए लाते हैं। यहाँ आपको घोड़े, खच्चर और गाय देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद जब आगे आगे चलते रहेंगे तो आपको खूबसूरत हरी भरी पहाड़ की ये चोटियाँ दिखाई देंगी जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ आप जब भी आएंगे तो इस दृश्य को देखना ना भूलिएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव यहाँ पर होने वाला है। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से, और मैं अब फाइनली पहुँच गया हूँ लाखा मंडल महादेव मंदिर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है वो मंदिर, कितना खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग गए हैं। अगर आप चकराता आते हैं तो चकराता से आपको तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर पड़ेगा ये मंदिर, और ये बेहद ही खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ के बारे में जो हिस्ट्री है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज एक गाय ने की थी जो यमुना नदी के पार से आती थी, और वो आकर अंदर यहाँ शिवलिंग में अपना दूध चढ़ाती थी, जो शिवलिंग सतयुग का है। मंदिर के अंदर पार्वती माता के आपको चरण देखने के लिए मिलेंगे। जब पार्वती माता अपने कन्या के रूप में थी तो उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए यहाँ बहुत ही ज़्यादा तपस्या की थी, उसके बाद ही उन्हें शिव जी की प्राप्ति हुई थी। ये लाल रंग का शिवलिंग तृतीया युग का है, राम जी के टाइम का, और इसके पास हरे रंग का शिवलिंग है जो द्वापर युग का है, जो कृष्ण जी के टाइम का है। और यहाँ पर कहा जाता है कि 15 अप्रैल को एक मेला लगता है जो पूरे भारत का पहला मेला होता है, उसके बाद ही पूरे देश में मेला लगता है और चार धाम के कपाट उसके बाद ही खुलते हैं। कहा जाता है इस मंदिर में आपको ना गाय के जो पंजे होते हैं उनके पाँव के निशान भी देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए और ये देखिए, इस तरह से पूरा का पूरे पत्थरों पे ऐसे ही पंजे मिलेंगे गाय के खुर के। यहाँ पर आपको 2 द्वारपाल देखने के मिलेंगे जो पश्चिम की तरफ मुख कर खड़े हैं। इनमें से ये वाले जो द्वारपाल है ये तो कहा जाता है कि देवता हैं, और जो ये बगल वाले हैं इनको कहा जाता है कि राक्षस है, और जो ये आप सामने देख रहे हैं ये जो एरिया है इसमें कहा जाता है कि दुर्योधन ने पांडव को मारने के लिए 1 लाख का महल बनाया था जिसे लक्ष्यगृह कहते हैं, और यहाँ चारों तरफ लाल ईंट यानी कि लाख है, और इसके नीचे ही विदुर ने पांडव को बचाने के लिए एक गुफा बनाई थी। इस शिवलिंग की स्थापना युधिष्ठिर ने की थी। इसके चारों ओर आपको 4 मठ देखने के लिए मिलेंगे जो भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल हैं। लाखा मंडल के अंदर जो है कि 20 गांव आते हैं, और किसी भी गांव में जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वह उस बॉडी को मतलब उस व्यक्ति को यहाँ लाते थे, और तब पुजारी द्वारा यहाँ पर अभिमंत्रित करके जल छिड़का जाता था और वह व्यक्ति कुछ क्षण के लिए जीवित हो जाता था और राम का नाम लेके गंगा जल पीकर वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता था। और इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए, और यहाँ पर कहा जाता है कि 1.25 लाख के करीब यहाँ पर पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की थी। और बाहर आने के बाद आपको यहाँ पर माता का एक मंदिर देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर एक शिवलिंग है जो पारदर्शी शिवलिंग है जिसमें आपको अपनी परछाई दिखाई देती है, और उसके बाद यहाँ आपको
यहाँ पढ़ सकते हैं आप ये अद्भुत शिवलिंग के बारे में, जो भी यहाँ पर लाखा मंडल के बारे में लिखा हुआ है। और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ पांडव गुफा की ओर, जिस तरफ पांडव दोस्तों लाखा मंडल मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पे है पांडव गुफा, जो कहा जाता है पांडव यहाँ से निकले थे रास्ते से जान बचा के अपनी। यह है आपकी अभी गुफाओं में पांडव गुफा के अंदर, आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है। बिना टॉर्च के दर्शन नहीं होंगे, जल्दी जल्दी जाके वापिस आ जाइए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको दर्शन करा दिए पांडव गुफा के भी। जब भी आप आओ लाखा मंडल महादेव, तो पांडव जो है गुफा के दर्शन करना ना भूलिएगा। और भाई इसके बाद आज का ब्लॉग यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तो अब हम जा रहे हैं हनोल की तरफ, और हनोल में भी एक बहुत ही बेहतरीन मंदिर है जिसका नाम है महासू देवता का मंदिर। तो वहाँ जाके अब होने वाला है नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।